बिसम असल आप देख रहे हैं जे आई टी और मैं हूँ वकास अजीज़ जैसा कि मैंने अपने इब्तदाई जो आप तस्वीरी गुफ्तू कह लें या यूट्यूब के ऊपर जो जे आई टी में मेरी पहली अपीरेंस थी उसमें मैंने आपसे तस्करा किया था कि आपको बहुत ही मुनफरद के इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड यानी एक ऐसा प्रोग्राम का गुलदस्ता आपके सामने आएगा जो हमारे अभी तक वाइट स्क्रीन पे और हमारी नेशनल स्क्रीन पे कहीं दिखाई नहीं देता मैंने उसके साथ साथ ये भी तस्करा किया था कि हमारा जो मैं तबका जो लोग तबका कहते हैं कि ये तबका है वो खुद एक तबका होते हैं सो आ, हमारे माशरे के वो लोग जिनको नज़रअाज़ किसी भी इशू में किया जा रहा है उनको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे और इसमें मैं समझता हूँ कि जो इकबाल साहब का ये वी है जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे इन शाह तला आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपके सामने ऐसे ही एक शख्स की कहानी है लाहौर का अंडरवर्ल्ड लाहौर का अंडरवर्ल्ड हम इंडिया का कराची का बॉम्बे का उधर की बातें सुनते थे या हम अफ्रीका या यूएसए की बातें सुनते थे यूरोप की बातें सुनते थे यहाँ का भी है अहद हाज़र में भी मौजूद है और वो बच्चों और बाप के दरमियान कैसे रुकावट पैदा कर रहा है खूनी रिश्ते जुदा करने की कैसे कोशिश कर रहा है और उसमें उन रिश्तों को ख़राब करने में जो अपने लोग हैं अपने ख़ानदान के लोग हैं वो कैसे इन्वॉल्व हैं और उस अंडरवर्ल्ड माफ़िया के ऊपर आज तक पाकिस्तान की मकतदर तरीन शख्सियात पाकिस्तान के इदारे हाथ नहीं डाल सके क्या वो शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून से मावरा है क्या आयन की कोई शीक ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर हाथ डाला जा सके उसको गिरफ़्तार किया जा सके क्या आज भी जदीद दुनिया का हिस्सा होते हुए जहां हम अपने मुंतब वज्रा आजम को उठा के साइड पे कर देते हैं आयन की कई शकें उनके लिए निकल आती है वहां एक आम आदमी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बाबर अली नकवी साहब मौजूद हैं और इनके साथ क्या ऊँ शाह चौधरी जो लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन है उसने क्या किया क्या खिलवाड़ किया बुनियादी तौर पर इनके बहुत सारी मीडिया भी हैं लेकिन अभी मैं कट टू शार्ट आऊंगा क्योंकि मैंने इंट्रो इतना तबील इसीलिए दिया बाबर भाई शुक्रिया ये चीजें सब होती हैं लेकिन मुझे सिर्फ पहला सवाल जो आपसे ये करना है मुद्दा आगाज हो गया कानून आपकी क्यों नहीं अभी तक आपको इंसाफ दे सका वकास भाई इसमें आ, वैसे तो कुछ चीज़ें मेरी समझ से बाला तर हैं क्योंकि जैसे आपने फ़रमाया कि इस मुल्क में तो वज्र आज़म तक को सज़ाएँ हुई बल्कि फांसियाँ तक हो गई वैक्सीनेट किया गया आ, मतलब अदालती एक फ़ैसला था बिल्कुल ठीक फरमा रहे फरमाें बात यह है कि अगर वजी अजम से वजे अज़म के मनसब से ऊपर तो कोई मनसब नहीं है जी बिल्कुल तो अगर उन्हें सजा हो सकती है तो ये जो अंडरवर्ल्ड माफिया है और जिस केस का आप हवाला दे रहे थे इस केस के सिलसिले में मैं दो बार गवर्नर सर्वर से जब वो सिटिंग गवर्नर थे अभी भी हैं और सिटिंग गवर्नर जब थे उस वक्त भी मैं मिल चुका जब वो नून लीग में हुआ करते थे उस वक्त भी मैं उनके पास हाज़री गवर्नर हाउस में दी और उन्होंने जिस पुलिस ऑफिसर को मुझे रेफ़र किया उनको मैं सिविल जब थे तब से जानता हूँ डी आई जी डॉक्टर है, हैदर अशरफ जी वो बड़े जी अच्छे आदमी हैं और हैदर साहब ने मेरा हवाला भी उनको दिया कि जी मैं नकवी साहब को जानता हूँ आए थे मेरे पास और फिर गवर्नर साहब ने मेरे उन्होंने कुछ किया या नहीं किया आपके लिए जी नॉट ओनली वो बल्कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे सीजेपी सिटिंग सीजेपी मैं दो बार उनके सामने पेश हुआ मतलब तो उनके पास केस लगा हुआ जी था। जी जी सुप्रीम कोर्ट में तमाम पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे आ, उसके बावजूद कि मैंने यहां तक बताया जी ये जो आपके सामने पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं ये और मीडिया के ब्यूरो तक इस बंदे को जानते हैं इस, इस, शायद चौधरी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी तरफ मतलब मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे क्योंकि रिलेटिव भी हैं तो मैं इस बंदे को आज का नहीं जानता मैं इस बंदे को तकरीबन आप कह लेंगे ने क्या कहा सी जे पी ने बिल्कुल अहकामा दिए मगर मुझे हैरत है कि उसके ठीक है उसके कुछ अर्से पास सी जे पी नौ माह या दस माह के बाद रिटायर भी हो गए थे लेकिन अभी तक तब भी म, मतलब मेरे पास फाइनल एक लास्ट रिजॉर्ट सी जे पी रह गए थे तो, तो आपने दोबारा परसों किया आ, जी उसके बाद फिर जो वहाँ की रजिस्ट्री थी लाहौर की वहाँ तक मुझे मेरी रसाई को बंद कर दिया गया आ, माफिया के थ्रू

जी मेरे केस में बिल्कुल अंधा नहीं है इसलिए कि आईजी साहब की स्टैंप लगी हुई है डी आई की स्टैंपें लगी हुई हैं एस एच मानते नहीं हैं जिसका जवाब सुन लीजिए आपकी दरखास्त में मौक़ क्या है मौक़ यह है कि जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं ना एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा जो कि हमारे आर्मी से थे अल्लाह ताली मुबीन जैदी साहब को भी गरीक अहमद करें एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम लेना अभी मैं मुनासब नहीं समझूंगा सीनियर पुलिस ऑफिसर कि जी ये जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना ये ले लेते हैं गालियां खा लेते हैं, इनको बुलश भी सीनियर ऑफिसर्स कर देते हैं लेकिन ये करते हैं अपनी मर्जी कौन सा लेवल? मुझे थोड़ा सा मुझे बता लेने दें कि हो क्या रहा है इस कंट्री में बिकॉज मेरी अब एज फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव ईयर हो गई है तो मैं समझ रहा हूँ सारी चीज को हो ये रहा जो कि पिछले दिनों भी मीडिया पे एक बात उठी थी एक पॉइंट उठा था कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स राउंड किया करें होता यह है कि जब हम आई या डी आई के पास कोई भी पाकिस्तानी चला जाता है ना आई और डी आई बाद में फॉलो अप नहीं करते इवन एस और एस नहीं फॉलो अप करते अच्छा मैं उस पर आता हूँ आपके साथ मैं बहुत दबाना दोबारा गुजारिश करूँगा कि मुझे दरख्वास्त का जो मुद्दा है वो बता दें आपने दरखास्त में किस चीज़ के लिए इंसाफ मांगा जी डिकॉटी अटेम्प ठीक असिनेशन अटैम्प्ट कि मेरे ऊपर वाक्यता हुई टू टू से शुरू हुई और बाकायदा मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया और जिसमें के दुकानदारों ने ये मेरे पास ये शायद चौधरी के बंदे थे सारे। जी जी ये मेरे पास जी शायद, शायद चौधरी के बंदे और इसका बड़ा गुंडे थे, ये बंदे थे जी गुंडे जी इसका बड़ा भाई एडवोकेट तारक है जी. उससे बड़ा भाई इसका सीनियर सेशन जज रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम नबी उससे ऊपर वो उनका रैंक कब गया कितना गया मुझे नहीं पता इसलिए टू थाउजेंड के बाद मैं अपने बच्चों को टू के बाद सॉरी जब लास्ट अटेम हुई है

वहाँ किसी बच्ची की शादी थी उसका झगड़ा था सादात से बाहर उसकी शादी हो गई थी खैर वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी है वो बात फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी अभी मेन एम्फोसिस मेरा ये बंदा है और इसका एक भाई एडवोकेट एक भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उससे मैं आता हूँ उसी तरफ मैं पहले नाजरीन को बताना ये चाह रहा हूँ आपको जो बुनियादी जो मुद्दा है मैं अपने देखने वालों को उस जाने जो मैं आपसे भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एक बच्ची का रिश्ता और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट उनको हक का साथ देने की वजह से आपके साथ ये हो रहा है जी बिल्कुल जी बिल्कुल बस सिर्फ एक यही वजह जी, जी जाती अनाद इसको हम कह दें हसद कह दें बहूस कह दें जी हमारे ख़ानदान में एक्चुअली मुझे यहाँ पे लेट मी इंट्रोड्यूस माय फादर आल्सो उसकी वजह है इस केस के साथ क्योंकि फादर इज़ द ओनली ऑफिसर मेरे भाइयों से पहले वही एक फौज में थे और वो भी जर्नैली तक गए लास्ट एंड लास्ट एंड फाइनल रैंक तक गए अल्टीमेट रैंक तक गए उसकी वजह से हर बंदे की खानदान में ख्वाहिश ये थी कि मेरी बेटी के साथ रिश्ता हो जाए इनके तीन बेटों का भाइयों का मैं आई एम द एल्डस्ट वन मुझसे दो छोटे हैं जो आई एस आई में और एम आई में सर्व कर चुके हैं बात यह है कि वो भी बीच में चीज़ें वो भी जेलिस थी कि फलां के घर रिश्ता क्यों इन्होंने कर दिया हमारी बेटी क्यों नहीं ली इस तरह के भी झगड़े थे कुछ बट द प्रॉब्लम इज़ दिस मेन एम्फोसिस ये था कि मुझे शादी के बाद जो मेरी अपनी फैमिली में एक झगड़ा चल रहा था बहन के रिश्ते का उसकी वजह से निशाना बनाया गया सो so, लेकिन ये मैं बींग ए सन ऑफ ए जनरल किन बंदों के हत्थे चढ़ गया यानी रिश्ता दार दार कहते हैं फांसी का और रिश्ता जो आपके ब्लड रिलेशनज हैं यानी जो एक इस लफ्ज़ के लोघवी माने हैं कि फांसी का रिश्ता जो है ये सही मानों में हमें बाबर नकवी साहब के इस केस में नज़र आ रहा है और अभी तक जितना मैं इसको कन्सीव कर पाया हूँ ये जाती दुश्मनी हसद और जो ख़ानदानी आप मतलब जो हमारे माशरे में एक चीज़ पाई जाती है कि किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो क्यों पहन लिए हैं भाई आप भी मेहनत करें आप भी ख़रीदें आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें वो कोई अपनी माँ के पेट से तो नहीं लेकर आया वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है लेकिन इसमें जुल्म ये है सितम ये है कि आज डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा होने के बावजूद लाहौर जो हम हमारा कैपिटल है पंजाब का और पाकिस्तान के बड़े मतलब नेशनल कैपिटल के बाद आपके जो बड़े कैपिटल्स हैं उनमें से एक है उसमें जिसको आपने पूरे शहर में कैमरे लगा दिए और क्राइम फ्री सिटी बनाने की आप कर रहे हैं उसमें एक शख्स को उसके रिश्तेदारों की वजह से टॉर्चर किया जा रहा है और पीछे वजह भी कोई नहीं है यानी आपके पेट में गैस हो गई है आपको नजर नहीं आ रही आप दौड़ते फिर रहे हैं और डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही और इंसाफ सीजेपी ने भी कह दिया तो आपको नहीं मिल गोर्नर रहा गवर्नर ने भी कह दिया आपके सीएम ने भी कह दिया है तमाम पुलिस और पुलिस पंजाब पुलिस तो है ही टाउट बता माफिया मतलब इनको अगर अपनी माजरत के साथ माजरत के साथ और बहुत अदब के साथ पंजाब पुलिस का जो हमने सुना था कि कोई दीनी मान नहीं होता वो चीजें इससे आगे निकल चुकी हैं अब इस वक्त राइट नाउ ये तो सदर पाकिस्तान मुझे, परवेज ने मेरे कहने पे एक्शन लिया था जिसमें कई पुलिस ऑफिसर्स को सजाएं हुई थी उस वक्त के सीसीपीओ उस वक्त के आईजी और ये कुछ इंस्पेक्टर ये दिखा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर ये अखबार का तरह शायद बाद में इस अखबार को भी बंद कर दिया गया और इसके साथ भी बड़ा बुरा हाल हुआ यानी सच्ची सहाफत का ये अंजाम वजह यह है जी कि मेरा घर जो है पिंडी वाला जो फादर का घर है बेसिकली वो जनरल्स कॉलोनी पिंडी में वो काफ़ी सालों से आर्मी चीफ के आर्मी हाउस के आमने सामने है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर के पास है तो जनरल प्रवेश मशरफ भी मेरे नेबर हुआ करते थे उस जमाने में तो जब मैंने उनको पर्सनली यह दिया था और पर्सनली उन्होंने एक्शन लिया था मैंने एप्लीकेशन भी दी थी और बेशुमार पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ काम हुआ लेकिन जनरल प्रवेद मशरफ के ज़माने में हुआ उसके बाद शायद चौधरी को बाकायदा जेल भी हुई लेकिन उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ कहीं गवर्नर हाउस से अब आपका मामला कैसे हल हो सकता है जी अभी भी सी को मैं क्योंकि मेरे लिए इज़ नंबर वन

कि अब ये और मैं मुझे लेकिन अगर आपका म, आपका अगर मसला क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम की जानब जा रहा है अगर आपका मसला आपके इन लॉज के साथ सेटल हो गया तो इसको भी और फ़ौज के अदारे भी बीच में पड़े मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं एंटी नॉकॉटिक्स फोर्स इस बंदे को आज का नहीं पिछले तीस साल से जानती है इसलिए कि ये नॉर्कॉटिक्स का भी काम करता है जो मेरे सुनने में आया जो मेरे बेटे ने भी मुझे बताया कि इसने तो घर में वो कोई करंसी पेपर छापने वाली मशीन भी गालबंद लगाई हुई है और पता नहीं इसका भाई जो है वो चोरी की गाड़ियों का काम भी चौधरी सरफराज करता है और इसके अलावा ये व्यमनाइजिंग के अड्डे चलाता है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और कुछ लोग इसके घर भी आते हैं और उनके साथ सिटिंग भी होती है मतलब अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं कि बेशुमार धंधे ये अच्छा के आ, दुनिया सोल्यूशन की तलाश में रहती है आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों के साथ आपकी मुलाकात हो रही है आ, 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 आपके रिलेटिव के साथ आपके मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं तो इस मामले को भी खत्म करके लाइफ ईजी करें नहीं जी बिल्कुल बच्चों के साथ मुलाकात मैं उन्हें मिलने नहीं जा सकता अभी भी नहीं जा सकता बल्कि अगर आप मुझे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मेरे यानी मुझे ऑफर करें और कहें कि चबुर्जी को दूर से

ये करके वो ऐसे करके वो भी हिट भी कर रहे हैं और साथ में झाड़ भी रहे हैं कुछ लगा हुआ है कहाँ दीवार से टकरा गए थे ये हो गया था वो हो गया था यानी पंजाबी में ये फिक्रा बोला जा रहा है तो दिस इज वट विच गोइंग ऑन सही तो इस वक्त इस सारी सिचुएशन में आपका फुल एंड फाइनल जो इंसार है वो कानून पे और एक पुर शहरी को ऐसे होना भी चाहिए टीजेपी को मैं अपील करना चाहूँगा जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनक कमर जवेद बाजवा जो कि मेरे अपने एक अदारे से हैं और बिकॉज फादर के हवाले से मैं कह रहा हूँ और सेकेंडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आप लोग आज़ादी सहाफत का मैं हमेशा कायल रहा हूँ अलग तला आपके लिए आसानियाँ करें जाते हुए मैं बस सारा मुद्दा आपके सामने है मामला सिर्फ इतना होता है कि बात करना बात बहुत से लोग करते हैं लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये कि असल जो इशू है उसको नोटफ़ाई करके आपके सामने लाना बाबर अली नकवी साहब करीज रखते हैं ये इतना बोल गए इन्होंने इतनी बात कर ली लेकिन हमारे माशरे में हम देखें तो सेवेंटी परसेंट लोग ऐसे हैं जो बोलने की इस्तात ही नहीं रखते हिम्मत तो दूर की बात है क्यों उनके रोज़ी रोटी और दीगर मसाइल सॉल्व हों तो वो म के ख़िलाफ़ बात करें म के ख़िलाफ़ बात करना हमें बी जैनब सलाम के उस खुतबे से और फिर सरकार की नस्बत और फिर वो मामला वहाँ से डेफिनेटली ये एक ब्लड का एक बॉन्डिंग है मैं जाते जाते सिर्फ इतनी सी बात करूँगा वजीर अजम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस नोटिस तो ले लेंगे जैसे कि पहले भी लिया गया आ, सिस्टम को किसने ठीक करना है सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा बाबर अली नकवी जैसे बेशुमार ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहेंगे मैं दुखते दिल के साथ खुदाफिस कहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है दिली खाश है कि आप लोग जो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करें जितने मुख्तर इदारों तक हलकों तक लोगों तक अथॉरिटीज तक ताकि बच्चों को अपने बाप से दूर ना किया जा सके अपना, अपना ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज